गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज फिजिक्स का सुपर कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसे आप जो है इसे शुरू से अंत तक बना रहिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्व को आप बारीकी से देखिएगा। इसे जो है लाइक करना नहीं भूलें, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। तो देखिए क्वेश्चन को जो है से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं फिजिक्स का सुपर कॉन्सेप्ट। तो देखिए इसमें एक पहला क्वेश्चन हम ला रहे हैं कि एम द्रव्यमान का बॉडी जो है किसी दीवार से भी वेग से टकराकर अपने ही पथ पर भी वेग से टकराकर सीधे टकराकर समझिएगा लंबवत टकराकर और उसी रास्ते पर लौट जाती है, तो संवेग परिवर्तन क्या है। देखिए एम द्रव्यमान का बॉडी है और वह भी वेग से टकराता है, लंबवत टकराता है, और इसके बाद जो है ऐसे देखिए यह मान लिया कि दीवार है आपका, यह जो है से दीवार है। और देखिए यह एम द्रव्यमान का बॉडी है जो देखिए ऐसे दीवार से जो है सिक्या है कि लंबवत टकराता है। लंबवत मानिएगा, टकराना का मतलब तिरछा नहीं टकराइएगा, यह जो है से देखिए लंबवत टकरा रहा है इस तरह से भी वेग से, और इसके बाद जो है से इसी वेग से यह लौट आता है, तो संवेग में आपका परिवर्तन बताना है। तो बताइए एक वेग इधर है एक वेग इधर है, तो हम ऐसा बताए थे या आप जानते होंगे कि मैथ में जो है से ट्रेन वाला जो प्रॉब्लम बनाते थे, तो मान लिया कि दोनों एक ही दिशा में ट्रेन जा रही है तो उसको घटा देते थे, और मान लिया कि ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है तो उसका अपेक्षिक वेग जब निकालते थे रिलेटिव वेलोसिटी, तो उसके वेग को आप क्या करते थे जोड़ देते थे। तो बस उसी तरह का मामला है, संवेग में परिवर्तन जानते हैं क्या आपका हो जाएगा एम वी माइनस माइनस एम वी, देखिए आपको आ जाएगा टू एम वी। तो देखिए यही जो है से आंसर होगा टू एम वी संवेग में परिवर्तन, आपका चार्ज में रहेगा कि जीरो होगा क्या होगा इस तरह से रहेगा। तो देखिए 2 MV होगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर यह जो है से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है से आपको म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो यह जो है से क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, पहला चॉइस था कि घर्षण, फिर इसके बाद था कि प्रेरण, तो प्रेरण मार दीजिएगा, पारस्परिक प्रेरण नहीं था तो प्रेरण पर मार दीजिएगा। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्शन यानी पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, फिर इसके बाद आता है कि यह करंट को क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है। तो देखिए यह करंट, आई का मतलब करंट समझिएगा, वी का मतलब वोल्टेज, या करंट या वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। अगर मान लिया कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, अगर वोल्टेज को बढ़ा रहा है इसका मतलब करंट को घटाता है, अगर मान लिया कि वोल्टेज को घटा रहा है तो उसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो अगर वोल्टेज घटा रहा है तो इसका मतलब करंट बढ़ाता है। तो देखिए इस प्रकार का था। बताइए सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो सर्वोत्तम चालक में आप एजी कहिएगा यानी चांदी को आप कहिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है से यही वगैरह कहिएगा, लेकिन यह जो है से चांदी को ही आप कहिएगा सर्वोत्तम चालक। सर्वोत्तम अचालक आइए, सर्वोत्तम अचालक जो है से सेरामिक, जो चीनी मिट्टी आप कहते हैं, चीनी मिट्टी का बर्तन जो है से होता है, तो वह जो है सेरामिक जो है से सर्वोत्तम अचालक है। और अगर ऐसा च्वाइस नहीं रहेगा तो माइका, माइका का मतलब क्या आवरक, माइका का मतलब क्या हो गया आवरक, ऐसे जो है से सेरामिक को ही कहिएगा अगर च्वाइस रहेगा तो। अच्छा यह च्वाइस जो है से नहीं रहेगा तो माइका पर आप मार सकते हैं यानी अभ्रक। देखिए बर्फ में नमक डालने पर जो है, बर्फ में बर्फ अगर आप खाते होंगे, आइसक्रीम बेचने वाला जब आइसक्रीम देता है तो पहली बार जब आप चाटते हैं तो आपको नमकीन लगता होगा, तो नमकीन लगता है तो बर्फ में जो है तो क्या है कि जल्दी से पिघल न जाए बर्फ बेचने वाला टोकरी में या बॉक्स में जो है से बर्फ लेकर के इधर उधर चल रहा है आइसक्रीम वाला, तो पिघलने का उसका चांस है, जल्दी में पिघल जाएगा,
जल्दी में पिघल जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्या बर्फ बेचेगा, गांव गांव जो है उसको बेचने के लिए है, तो वह जो है सो उसमें नमक मिलाता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्फ में नमक डालने पर गलनांक क्या होता है, तो गलनांक जो है सो उसका घट जाता है, ध्यान रखिएगा गलनांक क्या होता है, तो देखिए घट जाता है, यह आंसर। अब आइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन जो है से न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी सबसे कम होता है, और घनत्व तो जो है से क्या होता है सबसे अधिक होता है। देखिए अधिकतम या महत्तम कहिए, अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप बढ़ाने पर पानी का आयतन क्या होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप को अगर बढ़ाइएगा, तो ताप को अगर मान लिया कि आप बढ़ा रहे हैं, तो आयतन जो है से आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप को बढ़ाने पर जो है से आयतन क्या हो जाता है, तो आयतन आपका बढ़ जाएगा। तो क्लियर है कि घनत्व तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घनत्व तो घटता है। फिर देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम को अगर घटाइएगा तो पानी का आयतन जो है यह भी इस स्थिति में भी जो है से बढ़ता है, इस स्थिति में भी क्या होता है, बढ़ता है। तो जब पानी का आयतन जो है से बढ़ रहा है तो इसका मतलब घनत्व तो घटेगा, क्योंकि आयतन और घनत्व में ऊर्जा का संबंध है, तो यह जो है से क्या होगा, घटेगा। और यह जो है से पानी का आयतन न्यूनतम कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और महत्तम जो है घनत्व तो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बताइए ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव जो है से क्या है, तरल का फ्लूड का एक गुण है, जिसके कारण जो है कोई भी तरल अपने फ्री सरफेस को अपने मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम से कम करने की कोशिश करता है। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी फ्री सरफेस को कम से कम करने की कोशिश करता है, तरल के उस गुण को जो है से क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब है कि थोड़ा सा प्रश्न आपको उठ रहा होगा कि फ्री सरफेस किसको कहते हैं, तो किसी तरल का जो पृष्ठ हवा में होता है उसको जो है मुक्त पृष्ठ यानी फ्री सरफेस, फ्री मुक्त पृष्ठ, स्वतंत्र पृष्ठ जो है से कहा जाता है। तो कोई भी तरल जो है से अपने पृष्ठ को कम से कम करने की कोशिश करता है, यानी वह जो है से अपने फ्री सरफेस को सिकुड़ाना चाहता है, कंट्रैक्ट करना चाहता है। तो बताइए अगर ताप बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बताइए कोई भी किसी वस्तु को अगर ताप हम देंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ने पर कोई पदार्थ फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। तो जब फैल रहा है तो पृष्ठ तनाव का अर्थ आप ले लीजिएगा कि पृष्ठ तनाव मीन्स सिकुड़ना। तो जब मान लिया कि कोई पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो वह फैलता है, तो जब फैलने का गुण बढ़ रहा है तो इसका मतलब सिकुड़ने का गुण जो है से घटेगा। तो पृष्ठ तनाव, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा बताइए, तो घटता है, घटता है। प्रत्यास्थता क्या होता है, तो प्रत्यास्थता भी जो है से आपको घट जाएगा। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो वस्तु जितना ज्यादा कड़ा होता है वह जो है ज्यादा हार्ड है, तो वह उतना ही अधिक प्रत्यास्थ माना जाता है, और इसके बाद जो लचीला होता है उसको कम प्रत्यास्थ माना जाता है। तो आप गर्म करिएगा तो गर्म करने के बाद कोई वस्तु फैलेगा, तो फैलेगा मतलब लचीला होगा, तो लचीला होगा मतलब कि प्रत्यास्थता घटेगा। अब आइए श्यानता, ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होगा, तो ठोस के श्यानता जो है से तरल का गुण है, इसलिए ठोस की श्यानता जो है से अगर कोई कहेगा तो ठोस की श्यानता तो शून्य होता है, ठोस में श्यानता होता ही नहीं। फिर इसके बाद जो है से द्रव का श्यानता क्या होगा ताप बढ़ने पर, तो अगर ताप बढ़ाइएगा तो द्रव की श्यानता जो है से क्या हो जाएगा कि घट जाएगा, आपका श्यानता जो है से घट जाएगा, लेकिन गैस की श्यानता जो है से बढ़ जाएगा। श्यानता के बारे में एक लाइन आप समझिए कि जब किसी तरल को कोई बर्तन में मान लिया कि कोई तरल रखा हुआ है, कोई द्रव रखा हुआ है, और जब उसको हिलोड़कर छोड़ दिया जाता है तब कुछ समय के बाद तरल स्थिर हो जाता है, तरल स्थिर हो जाता है, इसका मतलब कि उसके गति का किसी ने जरूर विरोध किया है, जिसके चलते जो है से द्रव स्थिर हो गया है,
अन्यथा द्रव को चलते रहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति का आपका नियम है कि अगर कोई वस्तु, पहला नियम है कि अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वह चलता ही रहना चाहता है जब तक कि कोई बाहरी बल उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए मजबूर नहीं कर दे, तब तक जो है से चलता रहता है। तो यह जो है से आपका जड़त्व का नियम है या न्यूटन गति का पहला नियम है। तो मान लिया कि जब द्रव को हमने ही लोड़कर छोड़ दिया है तो कुछ टाइम के बाद द्रव स्थिर हो गया है, इसका मतलब कि उसकी गति का किसी ने विरोध किया जिसके चलते वह द्रव जो है से स्थिर हो गया है, अन्यथा उस द्रव को चलते रहना चाहिए था। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर एक विरोधी बल पैदा हो जाता है श्यानता कहलाता है, और जो है से उस बल को श्यान बल यानी विस्कस फोर्स कहा जाता है। तो इस तरह से जो है से क्या है कि आपका द्रव का श्यानता जो है से क्या हो जाता है, घट जाता है। मान लिया कि कोई द्रव है तो ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो कहिएगा कि ज्यादा श्यान है, ज्यादा विस्कस है, माने उसकी श्यानता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर गाढ़ा है या उसको ऐसे हिलोड़ के छोड़ दीजिएगा तो वह जल्दी स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह विरोधी बल अपने अंदर जो पैदा किया है वह काफी तगड़ा विरोधी बल पैदा किया है जिसने उस द्रव के गति को तुरंत रोक लिया है। वही मान लिया कि कोई पतला द्रव है, पतला द्रव का मतलब क्या है, माने गाढ़ा नहीं है, तो गाढ़ा नहीं है उसको हिलोड़ करके आपने छोड़ दिया तो वह देर के बाद स्थिर होता है। क्यों? क्योंकि उसका विरोधी बल जो है से उतना तगड़ा नहीं होगा और रोक नहीं पाया होगा, इसलिए वह ज्यादा देर तक चलता रहा। तो इस तरह से है। अब देखिए बर्फ का घनत्व क्या होता है, तो बर्फ का घनत्व आपको 900 होता है, 900 केजी प्रति घन मीटर। अब देखिए पानी का घनत्व आपको क्या होता है, तो याद रखिएगा 1000 केजी प्रति घन मीटर। अब बर्फ अगर पिघल रहा है तो जब बर्फ पिघल रहा है तो इसका मतलब कि 900 से 1000 में बदल रहा है, तो घनत्व आपका इसका मतलब कि बढ़ रहा है। तो जब घनत्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आयतन घट रहा है। अब आइए पानी बर्फ में बदल रहा है, तो पानी मतलब 1000 है और बर्फ मतलब 900 में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि घनत्व जो है से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब घनत्व घट रहा है इसका मतलब है कि आयतन जो है से उसका बढ़ रहा है। अब आइए श्रुति या दृष्टि निर्बाध यानी परसिस्टेंस ऑफ विजन या परसिस्टेंस ऑफ साउंड का मान क्या होता है, तो देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन या परसिस्टेंस ऑफ साउंड को समझने की कोशिश कीजिए। जब कोई साउंड को आप सुनते हैं तो 1/10 सेकंड तक वह आपके मस्तिष्क पर माइंड पर ठहरता है, ठीक है। या कोई वस्तु का जब इमेज उसको आप देखते हैं तो वह वस्तु को हट जाने के बाद भी आपके माइंड पर 1/10 सेकंड तक उसका पिक्चर या उसका इमेज जो है से ठहरता है, जिसे परसिस्टेंस ऑफ विजन या परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहा जाता है श्रुति या दृश्य निर्बाध। तो बताइए इसका मान क्या होता है, तो 1/10 सेकंड। तो इसका चॉइस कभी कभी ऐसे दे देगा 0.1 सेकंड, तो ऐसे समझ लीजिएगा। अब आइए डायनेमो का खोजकर्ता कौन था, तो डायनेमो का जान रहे खोजकर्ता कौन था, फैराडे था। डायनेमो का खोजकर्ता कौन था, फैराडे महोदय। विद्युत चुंबकत्व का खोज किसने किया था, इसका भी फैराडे किया था। विद्युत चुंबकत्व का फैराडे नहीं किया था। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किया था, तो इसको फैराडे किया था, फैराडे। अब आइए इसमें दिया है कि विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने किया था, तो इसको जो है ऑर्स्टेड ने किया था। अब आइए क्षैतिज महत्तम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण का मान क्या होता है। किसी ढेला को ऐसे करके आप फेंक रहे हैं तो किस एंगल पर फेंकिएगा कि वह जमीन पर अधिक से अधिक दूरी पर जाकर के गिरेगा, तो 45 डिग्री होता है। इसको याद रखिएगा कि 45 डिग्री पर अगर फेंकिएगा तो वह अधिक से अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। बताइए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं टेस्ला, ये सब एसआई मात्रक हमने दिया। और इसके बाद विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक जो है से देखिए हम लिख रहे हैं आपको, तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक आपका आ जाएगा कि न्यूटन प्रति कूलम्ब, या जानते हैं कि आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से जो है से सारे क्वेश्चन को जो है से हमने कर दिया। तो इसी के साथ जो है से इस वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ, और आपसे अनुरोध है
कि आप जो है से वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, शुरू से अंत तक वीडियो पर बना रहे हैं, और इसके बाद जो है से फिर लाइव से क्लास जो हम देते हैं उसमें भी शुरू से अंत तक जो है से बना रहिएगा। तभी प्रत्येक क्वेश्चन की बारीकियों को आप समझिएगा और उसका जो मैं सोल्यूशन देता हूँ उसको समझिएगा, तब जो है से सफलता जो है से आपसे दूर नहीं रहेगी, सफलता आपके चरणों को चूमेगी और आप जो है से सफल होंगे और आप अपने सिलेक्शन को जो है से मुट्ठी में करेंगे। धन्यवाद।